मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ देता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज का भारत में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। बदलते भारत की बदलती तस्वीर में जहां कराते हैं आपको सियासी मायनों से रूबरू। आज का भारत में बात उत्तर प्रदेश में काबा के साथ में बाबा के बुलडोजर एक्शन की, साथ ही यूपी में बदलती कानूनी फिजा की। गुंडे दंगाई क्यों मांग रहे हैं अपने जान की भीख। बाबा बुलडोजर और उनके एक्शन का कमाल ये है कि जिस उत्तर प्रदेश को भूमाफियाओं गुंडों के नाम से जाना जाता था, जमीनों को हथियाना जिनका पेशा बन चुका था, अतीक अहमद की बात हो या फिर मुख्तार अंसारी की, बाबा यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार के आने के बाद से उत्तर प्रदेश की फिजा में कितना बदलाव आया है। जो गुंडे या कहें कि भूमाफिया कल तक दूसरों से वसूली करते आ रहे थे, आज बाबा अपने बुलडोजर मॉडल से कैसे वसूली कर रहे हैं। भूमाफियाओं के घरों को गिराया जा रहा है जो अवैध निर्माण थे, जो हड़प कर बनाए गए थे। इन सब पर जैसे कार्रवाई हो रही है, आज उसकी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार है। विधानसभा में आते ही सबसे पहले उन्होंने कहा कि गुंडे भूमाफिया प्रदेश छोड़कर चले जाएं, और फिर बाबा का बुलडोजर और उनका एक्शन लगातार दिखता आ रहा है। 2017 से लगातार अपराधियों का सफाया करने के लिए इनकाउंटर किया जा रहा है, चाहे कितना बड़ा अपराधी हो। आज उत्तर प्रदेश में जान की भीख मांग रहा है, और सबसे बड़ी वजह यही है कि आज इन गुंडों के अंदर डर बैठ गया है। आज जान की भीख मांग रहे हैं, चाह रहे हैं कि जेल में बंद कर दिया जाए, लॉकअप में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। योगी सरकार का एक्शन माफिया को मिट्टी में मिला देने वाला खौफ इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, आप भी सुनिए। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़कर के चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में तय कर ले क्या होना है। उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों की लिस्ट बताते हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, 2017 से पहले इनकी राजनीतिक पकड़ होने की वजह से कितना इनका साम्राज्य फैल चुका था, कितने मामलों में इनका नाम है ये भी बताते हैं। बात अतीक अहमद की करते हैं। अतीक अंसारी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में किया। 2024 में लोकसभा चुनाव गाजीपुर से लड़ा और वहां से सांसद बना। 2009 में एक बार फिर से सांसद बना, लेकिन आपराधिक गतिविधियों और आरोपों के बाद 2010 में पार्टी यानी समाजवादी पार्टी से उसे निकाल दिया गया। अतीक अंसारी पर हत्या, जबरन वसूली और अपहरण सहित कई मामले दर्ज हैं। गाजीपुर में आतंकी गिरोह चलाने का भी आरोप अतीक अहमद पर है। 2005 में उसे इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और कई साल तक जेल में बिताना पड़ा। इसी चक्कर में उसने बाद में अपनी खुद की पार्टी जन अधिकार पार्टी के नाम से बनाया, और जिससे उसने 2014 में एक बार लोकसभा चुनाव फिर से लड़ा, लेकिन इस चुनाव में उसे बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। अतीक अंसारी का राजनीतिक जीवन विवादों और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का रहा है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए जन अधिकार पार्टी से भी उसे निकाल दिया गया। दूसरा
अब बात करते हैं मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी 1990 के दशक में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत किया। 1996 में बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ और उसे 1996, 2002 और 2007 में मऊ से विधायक के रूप में जनता ने चुना। 2009 में अंसारी ने निर्दलीय पार्टी के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें भी हार मिली। बाद में वही 2010 में उत्तर प्रदेश में स्थित राजनीतिक दल कौमी एकता दल में शामिल हो गए। 2012 में अंसारी को कौमी एकता दल के टिकट पर मऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में फिर से एक बार मौका मिला। अंसारी का राजनीतिक करियर भी विवादों में ही रहा है। उस पर भी हत्या, जबरन वसूली और जमीन हड़पने सहित कई आपराधिक मामलों में शामिल होने का आरोप है। अंसारी पर 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करने में भी शामिल होने का आरोप लगाया गया है। 2017 के बाद से जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, अब इनका हाल क्या कर दिया गया है, घर गिराए जा रहे हैं, जेल में बंद हो रहे हैं, संपत्तियों को नीलाम किया जा रहा है। यही नहीं, जिन्होंने भी इन भूमाफियाओं की मदद किसी भी तरीके से की है, उन सब पर भी बाबा का बुलडोजर चल रहा है, यह साफ तौर से देखा जा सकता है। 24 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड हुआ, उसके बाद बाबा के बुलडोजर और अपराधियों के इनकाउंटर की रफ्तार और बढ़ा दी गई, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल किए जा रहे थे। ऐसे बीच में विधानसभा से एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी ने माफियाओं को मिट्टी में मिला देने वाली बात को दोहराया, साथ ही इनको पनाह देने वालों को जमकर सुनाया। इसके बाद जो कार्रवाई शुरू हुई, जनता में भी इससे काफी खुशी की लहर है। बुलडोजर के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो यहाँ पे, मगर बुलडोजर का ही ये असर है कि आज कंपनीज जो महाराष्ट्र में बैठी हैं, बेंगलोर में बैठी हैं या फॉरेन की कंपनीज हैं, वो ट्रस्ट कर रही है कहाँ, कोई गुंडा प्रदेश हुआ करता था, आज उत्तम प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सबसे पहले बुलडोजर चलना कहाँ से शुरू हुआ, कंगना रनौत के घर से, उनके दफ्तर को तोड़ा गया था। आपको अगर पूरा नॉलेज हो तो उस समय उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस की सरकार था। कांग्रेस और उनके समर्थक जो है ना, खत्म क्यों होते जा रहे हैं आज, उनको दिशा नहीं दिख रही कि किस कौन सी हम पकड़ें, कौन किस तरफ जाएं, नहीं है, क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि किसके ऊपर सिर्फ झूठ परोसते हैं, सिर्फ झूठ। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं बुलडोजर मॉडल का समर्थन करता हूँ। काश ये बुलडोजर मॉडल 90 में आया होता तो इतने कश्मीरी बेघर नहीं हुए होते। योगी आदित्यनाथ को अपने सख्त फैसलों के लिए जाना जाता है। आइए आपको योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक जीवन के बारे में बताते हैं, साथ ही उनके फैसलों के बारे में। उनकी विचारधारा हिंदू राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय के आधार पर टिकी हुई है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत संघ परिवार से की और बाद में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने 1998 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर से जीत दर्ज की और तब से उनका सियासी करियर शुरू हो गया। उन्होंने लोकसभा में लगातार 3 बार चुनाव जीता और 2014 में वह फिर से गोरखपुर से चुनाव जीते। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति मिली। गुंडों भूमाफियाओं को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद और बड़े नेता क्या बोल रहे हैं, उसे भी सुन लेते हैं जो कानून की दुहाई दे रहे हैं। लय हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारें। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, दो लड़कों को, पढ़ते पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आदमी, आप देखिए। जबकि संविधान हमारा आदमी को जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है, किसी के जीवन को आप ले नहीं सकते विधि सम्मत तरीके के अलावा, और कोई रास्ता नहीं जी। सीधे पुलिस से एनकाउंटर हो, कोई मारा जा सकता है, लेकिन पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी
तो ये जो फर्जी इनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं। इन पर हत्या का मुकदमा कायम होगा, ये पहले भी हुए, एक बार नहीं दर्जनों बार हुए। करोड़ों की संपदा बनाने वाले इन भूमाफियाओं को बचाने के लिए बड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन यही वो भूमाफिया हैं जो अब तक लोगों को लूटते आए हैं। जो लोग आज कानून की दुहाई दे रहे हैं, 2017 से पहले कहां थे, जब अतीक जैसे गुंडे लोगों के घरों पर कब्जा कर रहे थे, वसूली कर रहे थे, कई हत्याओं में शामिल रहे हैं। जितने भी अवैध निर्माण किए गए हैं, अब उन सब पर एक एक करके बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिसका असर भी दिख रहा है। कुछ भी नेता कहें, लेकिन बाबा का बुलडोजर जिस तरीके से माफियाओं पर कहर बरसा रहा है, जनता को बड़ा पसंद आ रहा है। लोकतंत्र में जनता को पसंद आने वाला काम किया जाना चाहिए। कुछ भी नेता कहें, लेकिन बाबा का बुलडोजर जिस तरीके से माफियाओं पर कहर बरसा रहा है, जनता को बड़ा पसंद आ रहा है। लोकतंत्र में जनता को पसंद आने वाला काम किया जाना चाहिए, ना कि नेताओं को। अब योगी राज में सालों साल न्याय का इंतजार नहीं होगा। ऑन द स्पॉट फैसला, नो चार्ज शीट, सीधा एक्शन और इनकाउंटर में ढेर। धन्यवाद।